हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो गाइस, अगर चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर्ब होने वाली है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आखिरकार ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर? सो गाइस, यहाँ पे ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मान लो कि आपके स्कूल में आपका एक सीट है रिजर्व, अगर वहां पे कोई और बच्चा अगर आके बैठा रहता है तो आप क्या बोलते हो, भाई हटो, वो मेरी जगह है। तो तुमने क्या किया, वहां पे कोई और बैठा था और तुम वहां जाके बैठ गए, तो तुमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब होता है, सिंपल आसान भाषा में समझो तो हटाना, क्या होता है, हटाना, एकदम एज सिंपल, ठीक है। और इसका अगर रियल लाइफ से मतलब समझो तो भाई, मान लो स्कूल है, वहां पे तुम्हारी एक सीट फिक्स है, वहां पे कोई और बच्चा बैठा है, तुमने बोला भाई हटो वहां पे हम बैठेंगे, तो वो मेरी जगह है। तुमने क्या किया, उसको हटा के तुम बैठ गए, डिस्प्लेस कर दिए, मतलब हटा दिए। ये हो गया डेली लाइफ से एग्जांपल। अब यहां पे इसका डेफिनेशन समझते हैं गाइस, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, बहुत ईजी और सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। इतने पूरे अंग्रेजी को आप सिंपल एक भाषा में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसेस। क्या होता है, रिप्लेसेस, मतलब उसको उठा के हम बैठ गए, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा के खुद बैठ जाता है उस पार्टिकुलर कंपाउंड से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। सो यहां पे एक एग्जांपल देखो, मैंने बोला है कि भाई ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। अब जरा ध्यान सुनना मेरी बात, पहले जैसे गाइज यहां पर है ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। आखिरकार ये रिएक्शन को जरा गौर से देखो गाइस, ये रिएक्शन है क्या, आराम से देखना। ए प्लस बी सी, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, इतना तो आपको आराम से पता होगा गाइस। अब यहां पे देखो ए प्लस, यहां पे जो सी है वो बी के साथ है, पहले सी जो है वो बी के साथ था। डेली लाइफ में भी ऐसा ही होता है, देखो भाई कोई अफेंस मत होना, कि यहां पे पहले जो सी की गर्लफ्रेंड थी, पहले सी की गर्लफ्रेंड बी की थी, पहले सी बी की थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब सी किसकी हो गई है, आप देख रहे हो सी किसकी हो गई है, ए की हो गई है, और बी बेचारा अकेला पड़ गया है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे पहले सी और बी की बहुत अच्छी चली, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद ये लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया, जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है, कोई ऑफेंस मत होना, एकदम ठीक वैसा ही। तो अब ये सी किसके साथ चली गई, ए के साथ चली गई, और बी बेचारा अकेला हो गया, बेचारा का ब्रेकअप हो गया तो वो अकेला हो गया। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्या कि पहले सी बी के साथ थी, फिर उसके बाद सी किसके साथ आ गई, ए के साथ आ गई, ठीक है। सो यहां पर क्या देख रहे हो कि सी ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, पहले वो बी के साथ थी, अब वो ए के साथ आ गई कुछ समय बाद। कोई भी ऑफेंस मत होना, बस एक समझाने का तरीका था बस, ठीक है। सो अब यहां पे देखो, जैसे यहां पे एक रिएक्शन है मेरे पास, जरा ध्यान से सुनना, जैसे ये सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन है, ध्यान सुनना मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे FeCuSO4 है, CuSO4 एक्वस में है और Fe सॉलिड है। एक्वस बोलने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्वस बोलने का मतलब एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे पानी का मात्रा ज्यादा होता है। ये नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो, एक्वस मतलब वो होता है जहां पे वॉटर एज अ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, वॉटर एज अ सॉल्वेंट होता है, वॉटर सॉल्वेंट होता है, मतलब उसमें वॉटर की मात्रा ज्यादा है और बाकी जितने भी केमिकल्स है उसकी मात्रा कम है, जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। कोई भी दिक्कत, इसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। और लिक्विड किसको बोलते हैं, जहां पे सिर्फ पानी हो, सिर्फ और सिर्फ पानी, उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। कोई भी दिक्कत, अब जब यहां पर
प्रोडक्ट में क्या बन रहा है मेरा FeSO4 और Cu। जरा इस रिएक्शन को ध्यान से देखो गाइस, आपको क्या समझ में आ रहा है ध्यान से देखना। Fe बेचारा पहले अकेला था, सिंगल था, ठीक है, और यहां पे SO4 किसके साथ था? Cu के साथ था। SO4 किसके साथ था? Cu के साथ था। पहले SO4 Cu के साथ उसको बड़ा मन लग रहा था, फिर कुछ दिन के बाद SO4 ने क्या किया भाई, SO4 का Fe के साथ मन लगने लगा। आप देख रहे हो FeSO4 प्लस Cu। क्या कर सकते हो यार, दुनिया बहुत, क्या बोल रहे हो, दुनिया बहुत बड़ी, क्या बोल सकते हो, ठीक है। सो अब यहां पे ध्यान सुनना मेरी बात, कि यहां पे SO4 Cu के साथ था, फिर SO4 अब Fe के साथ आ गया है। यहां पे क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरचेंज, या फिर समझ लो डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? डिस्प्लेस कर रहा है। पहले SO4 Cu के साथ था, अब कुछ दिनों के बाद वो SO4 Fe के साथ आ गया। सर एक चीज मेरे को बताओ, क्या ऐसा किसी का भी हो सकता है क्या कि कोई किसी को भी छोड़ के किसी के भी पास चल जाए, वो इसके साथ है, कुछ देर के बाद किसके साथ चल जाए? तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन किसके पास जाएगा और कौन किसके पास नहीं जाएगा? या फिर ऐसा समझो कि भाई कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा या कौन किसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा? तो इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं, ठीक है। पर उससे पहले आपको इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत गाइस, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कैसे, लास्ट तक बने रहना। अब Cu होता है रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन मतलब सर Cu किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा तांबा, तांबा जैसे भगवान जी के जो भी रहते हैं, आपके लोटा हो गया या फिर घंटी हो गई, कुछ भी होगी, तो वो सब तांबा के बने रहते। किसके बने रहते? तांबा के। आपने देखा होगा लाल लाल कलर का वो रहता है, वो होता क्या है? तांबा। तो आपको एक चीज याद रखना है, कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। सो गाइज अब यहां पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कब कौन किसको डिस्प्लेस करता है, कौन किसके साथ जाके जुड़ता है, कौन किसको हटाता है। सिंपल सी बात है, या फिर ऐसे समझो कि भाई किसको किसके साथ मन लग रहा है, या फिर कौन किसका ब्रेकअप बॉन्ड टूटवा रहा है, कैसे भी समझो भाई, सिंपल सी बात है। डिस्प्लेस, किस बेसिस पे कोई किसको हटा देता है, आखिरकार कोई किसको किस बेसिस पे हटा देता है, उसका क्या कारण है? तो उसका सिंपल सा कारण है, ये डिस्प्लेस कैसे करता है, ये हटाता कैसे है? तो आपको याद रखना है, ये हटता है बाय रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको याद रखना है, बाय रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का आपको एक मेन में मोटिव बता दे रहा हूं, क्या होता है, हायर एलिमेंट रिप्लेसेस डिस्प्लेसेस लोअर एलिमेंट, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को हटा के बैठ जाता है। सर हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसर लोअर एलिमेंट, ये मेरे को नहीं समझ में आया। तो भाई ये तो समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को हटा के बैठ जाता है। सर आपका ये बात तो मेरे को समझ में आ रहा है, पर इसकी फील नहीं आ रही है। सो भाई इसकी फील समझो थोड़ा। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज, क्या नाम है इसका? रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन किसको हटा सकता है, या कौन किसके साथ जुड़ सकता है, या फिर कौन किसका ब्रेकअप करा सकता है। भाई सिंपल सी बात, तो रिएक्टिविटी सीरीज किसका है? ये मेटल्स का। ध्यान से सुनना मेरी बात, रिएक्टिविटी सीरीज किसका है? मेटल्स का, मेटल्स, ठीक है। अब आपको कुछ रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने हैं, उसका क्या है, के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ बी पी बी एच एच सी यू एच जी ए जी ए यू पी टी। अब इसका याद करने का क्या तरीका है कि सर इतना बड़ा मेरे को याद कैसे रहेगा? तो गाइस इसका एक बहुत मस्त तरीका है। क्या है तरीका, वो ध्यान सुनना मेरी बात। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर हाई कोर्ट है आप का, ठीक है। केदारनाथ का के से के हो गया, ना से नाथ हो गया, का से सीए हो गया, माली से एमजी हो गया, आलू से एएल हो गया, जरा से जेडएन, फीका से एफई, पकाता से पीबी, हे से ह एच, फिर हाई से एच, कोट से सीयू, है से एचजी, आप से एजी, आप से एयू, पी से पीटी। सिंपल याद करने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, कोई भी दिक्कत। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में, वो ध्यान से सुनना।
कि सर ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ क्या है, मेटल्स है, पर यहां पे सर आपने हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन का तो आपका नॉन मेटल होता है सर, हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तब सर आपने हाइड्रोजन को मेटल वाले सीरीज में क्यों लिखा है, ये आपसे टीचर पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या बोलना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बोलना है कि हाइड्रोजन आल्सो लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। सर आपने ये क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मैं मेटल नॉन मेटल में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, फिलहाल के लिए बस एक चीज अपने माइंड में सेटअप कर लो कि जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन के पास दोनों टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होने के कारण उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। सर ये इलेक्ट्रॉन लूज होता है, गेन होता है, कैसे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो गाइज मैंने आपको इसका बहुत मस्त कॉन्सेप्ट आपको मैंने हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला में सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा, जाके उसे चेक जरूर करना गाइज, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, अब मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ और एग्जांपल बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है गाइस। तो यहां पे क्या है, Zn plus CuSO4, अब देखो अब मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं, ध्यान सुनना, दो मिनट में समझ में आ जाएगा। भाई यहां पे Zn है और प्लस CuSO4 है, तो मैंने आपको लिखने का क्या तरीका बताया, रिएक्टिविटी सीरीज से। अब आपके मन में एक सवाल आ गया कि भाई यहां पे कौन किसको हटाएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो सर ने बताया था कि वो रिएक्टिविटी सीरीज देख के पता चलता है। कैसे पता चलता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को हटा सकता है, ध्यान से सुनना, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को हटा सकता है। सर मेरे को मतलब नहीं समझ में आया, ध्यान सुनना मेरी बात। अब यहां पे मेटल पकड़ो, इस रिएक्टेंट साइड में मेटल पकड़ो, सीयू मेटल है और Zn मेटल है। अब देखो ऊपर कौन है, ऊपर 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 Zn, यहां पे मिला Zn और यहां पे मिला Cu, यहां पे मिला Zn और यहां पे मिला Cu। सो गाइज आप लोग ये चार्ट देख के कंफ्यूज मत होना, ये वाला लाइन इसके नीचे लिखा था पर मेरे पास पेज छोटा था इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, बाकी ये लाइन नीचे लिखता मैं, ठीक है। सो मैंने क्या देखा, Zn ऊपर है और Cu नीचे है, तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, मतलब Zn Cu को हटा सकता है, और जब Zn Cu को हटाएगा तो बेचारा Cu का बॉन्ड टूट जाएगा और Zn उसके पास जाके बैठ जाएगा, तो बनेगा ZnSO4 plus Cu। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनसीईआरटी के याद करने हैं तो आप बस रिएक्टेंट साइड याद कर लो, और आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप आराम से प्रोडक्ट लिख दोगे, और अगर आपने सारे रिएक्शन याद कर लिए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक चीज और क्या याद रखना है कि CuSO4 का कलर ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू होता है, कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, और Cu मैंने आपको बताया तांबा और उसका कलर क्या होता है, रेडिश। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में क्या याद रखना है कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को हटाता है, सीधी बात, नो बकवास, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को हटाता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, पीबी प्लस CuCl2। अब मेरे को बस रिएक्टेंट को देखना है, प्रोडक्ट को नहीं देखना है, मेरे को बस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मेरे को याद है और रिएक्टिविटी सीरीज मेरे को याद है, तो मैं प्रोडक्ट आराम से लिख दूंगा। कैसे, मैं सबसे पहले मेटल ढूंढूंगा, भाई पीबी मेटल है, सीयू मेटल है। अब आते हैं देखते हैं ऊपर, देखा बच्चा जैसा पीबी ढूंढा, अरे पीबी तो यहां है और सीयू नीचे है, मतलब पीबी ऊपर और सीयू नीचे, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये कहां है, नीचे लिखा हुआ है, कहां है, नीचे लिखा हुआ है, इसलिए स्पेस नहीं निकाला मैंने, ऊपर लिखा है। अब पीबी ऊपर, सीयू नीचे, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, मतलब पीबी सीयू को हटा सकता है, पीबी सीयू को हटा सकता है, ठीक है। तो पीबी क्या हुआ, सीयू को हटा दिया, पीबी सीयू को हटा दिया। तो अब ध्यान से सुनना, जहां जहां सीयू है मैंने वहां पे पीबी रख दिया
और मैंने पीबी को क्या, और मैंने सी, जहां जहां सीयू है वहां पे मैंने पीबी रख दिया। क्यों? क्योंकि पीबी ऊपर है सीयू से, तो पीबी सीयू को हटा सकता है, तो पीबी बेचारा सीएल के साथ आ गया और सीयू बेचारा दुखी होके अकेला हो गया। आ रहा है बात समझ में? अब एक चौथा देखो रिएक्शन, मान लो आपको एग्जाम में एक रिएक्शन आ गया सीयू प्लस FeSO4, आपके पास बस रिएक्टेंट साइड है। मैंने क्या तरीका बताया भाई, मेटल ढूंढो, सीयू मेटल है, Fe मेटल है। अब मैं ढूंढ रहा हूं, Fe यहां है और CU यहां है, तो आप देख रहे हो Fe ऊपर है, Fe ऊपर है और CU नीचे है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ गया कि क्या CU Fe को हटा पाएगा FeSO4 से? तो ये कैसे पता चलेगा भाई, रिएक्टिविटी सीरीज देखो। क्या CU Fe को तभी हटा पाएगा जब CU ऊपर रहेगा Fe से? पर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में क्या देख रहे हैं कि CU तो नीचे है और नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को हटा नहीं सकता है, तो इसीलिए नो रिएक्शन होगा। कोई भी दिक्कत गाइस? अब आते हैं पांचवा और आखिरी रिएक्शन पे, Zn प्लस CaCl2। आपको क्या करना है, मेटल ढूंढना है भाई। यहां पे Zn मेटल है और Ca भी क्या है, मेटल है। तो मैंने देखा कि Zn और Ca में ऊपर नीचे कौन है, तो मैंने देखा कि Zn ऊपर है और Ca, Zn नीचे है और Ca ऊपर है, Zn नीचे है और Ca ऊपर है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि Zn नीचे होके Ca को हटाने का कोशिश कर रहा है, तो भाई CA होशियार बन रहा है कि भाई तुम क्यों तेज बन रहे हो, चलो हटो, CL तो मेरी है, अब उसको मेरे पास आने दो। पर आपको किसी का भी किसी के साथ ब्रेकअप और बॉन्ड नहीं बनाना है, बॉन्ड बनाने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। Zn बेचारा पावर कम होने के कारण वो ब्रेकअप नहीं करा पाया, बॉन्ड नहीं जोड़ पाया अपना, कोई भी बात हो, पर हमको क्या याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज भाई Zn नीचे है और CA ऊपर है, तो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को हटा नहीं सकता है, इसलिए मैंने नो रिएक्शन लिख दिया। कोई भी दिक्कत? सो इसी के साथ गाइस हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ फिनिश। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।